हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि। तो फाइनली गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। जो डेंटिंग पेंटिंग का काम था सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो गाड़ी कंप्लीट है। छोटा मोटा काम हो रहा है, जैसे कि मड गार्ड, नंबर प्लेट, साइड ग्लास और वायरिंग वगैरह। आगे की हेडलाइट भी चेक की जाएंगी और पीछे की टेल लाइट। तो ये छोटा मोटा काम रह गया, बस गाड़ी रेडी है। अगर आपने इसके पहले वाली ये वीडियो नहीं देखे जिसमें गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, फिर डेंटिंग का, फिर पेंटिंग का, अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उसकी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी डैमेज हुई थी और किस तरह से फिर डेंट या पेंट, सब कुछ वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप चेक कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, स्टिकर लगा रहे हैं गाड़ी में। इस साइड का स्टिकर ख़राब हो चुका था, इस साइड से ज़्यादा गाड़ी डैमेज हुई थी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको पता होगा, वो वाली आपने वीडियो देखी होगी। अगर आप नए हैं तो वो वाली वीडियो देख सकते हैं आप, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी उसकी। तो इस साइड स्टिकर लगा रहे हैं, गेट पर भी स्टिकर लगता है 1.3 वाला, तो वो मिला नहीं है दुकान पर, एजेंसी से लाएंगे, बात की है तो मिल जाएगा, लेकिन अभी लाए नहीं है, वो बाद में लगवा लेंगे, जिससे गेट भी अच्छा लगने लगेगा। और साइड में आप देख सकते हैं मड गार्ड लग रहा है, फिट हो रहा है। अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियो देखी होंगी तो आप लोगों को पता होगा इस साइड काफ़ी डैमेज हुई थी गाड़ी, ज़्यादा काम इसी साइड हुआ है, उस साइड कुछ भी गाड़ी में काम नहीं हुआ है, क्योंकि उस साइड गाड़ी डैमेज नहीं हुई थी। ये जो आप गेट देख रहे हैं ये चेंज हुआ है, दूसरा गेट डला है, वो वाला गेट पूरा ख़राब हो चुका था। हालांकि गेट रिपेयर हो सकता था, बन जाता, लेकिन डलवाया नहीं है, वो वाला रिपेयर नहीं करवाया है, दूसरा गेट डलवाया है। और आप मड गार्ड देख रहे हैं, दोनों ही टूट गए थे। गाड़ी का इससे पहले भी एक्सीडेंट हुआ था छोटा, जिससे बोनेट में डैमेज हुआ था और ये दोनों ही मड गार्ड टूट गए थे, तो इसलिए ये दोनों न्यू डले हैं, ये फिटिंग कर रहे हैं अभी। ये आगे की ग्रिल रखी है, आगे की ग्रिल भी अगले वाले एक्सीडेंट में टूट गई थी, जो छोटा एक्सीडेंट हुआ था, तो पुरानी ग्रिल है ये। और बाकी आप देख ही सकते हैं, पेंट वगैरह काफ़ी अच्छा किया है, शाइनिंग भी देख सकते हैं पेंट पर। आप अगर पहली वाली वीडियो देखी है आप लोगों ने तो आप बता सकते हैं किस तरह की लग रही है देखने में गाड़ी। अभी हालांकि गाड़ी में डेकोरेशन वगैरह भी होगा, जिस तरह से गाड़ी में डेकोरेशन था तो उसी तरह से फिर से डेकोरेशन करेंगे गाड़ी में। आप इस सामने ग्रिल देख रहे हैं जो भैया फिट कर रहे हैं, ये पुरानी गाड़ी की ग्रिल है, जो मैंने बताया है ड्राइवर लेके आया था कहीं से, पुरानी ग्रिल इसकी टूट गई थी। इस पर महिंद्रा का लोगो नहीं है, जो अभी न्यू ग्रिल आ रही हैं उस पर महिंद्रा का लोगो मिलता था, लेकिन जो पुरानी गाड़ी थी उस पर ग्रिल पर महिंद्रा का लोगो नहीं मिलता था, तो इस पर भी नहीं है, लेकिन ये फिट कर दी है। पहले ब्लैक थी, अगर आप लोगों ने पहले ही वाली वीडियो देखी है इसकी एक्सीडेंट वाली, तो उसमें ब्लैक थी ये, लेकिन इस पर भी प्रिंट कर दिया है जिससे वाइट कर दी है, और इसमें फिट कर दिया जिससे अच्छी लग रही है। हालांकि चेंज करवाएंगे, ये ग्रिल नहीं रखनी है, न्यू वाली डलवाएंगे। तो इस साइड भी आप देख सकते हैं, इस साइड भी मड गार्ड सेट कर रहे हैं, दोनों ही मड गार्ड टूट गए थे। हालांकि ये वाइट नहीं मिले हैं, जो 2019 वाली गाड़ी थी उसमें दूसरे कलर के आते थे मड गार्ड, वही था, इस पर भी प्रिंट किया है जिससे वाइट कर दिए हैं और फिट कर दिए हैं, जो अभी न्यू गाड़ियों में आ रहे हैं। और मैं इस साइड एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, ये 1.3 CVC है। आपको पता होगा CVC और FV दोनों में क्या फ़र्क होता है, सिर्फ चेचिस और डाला का फ़र्क होता है। CVC में चेचिस आती है और FV में डाला आता है, हाफ डाला, जो आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन जो मिस्त्री थे उन्होंने ध्यान नहीं किया, और आप देख रहे हैं इस पर FV का स्टिकर चिपका दिया है इस साइड, या मिला नहीं होगा या ध्यान नहीं किया होगा, लेकिन उन्होंने चिपका दिया है इस साइड, जबकि CVC का है जो कंपनी वाला है, क्योंकि गाड़ी CVC है, और चिपका दिया है FV का, तो इस साइड CVC उस साइड FV। अब जो स्टिकर रह गया है वो है गेट का, जिस पर 1.3 लिखा है, तो यह वाला जाएंगे शोरूम से लाएंगे, जो आप देख रहे हैं गेट पर, इस पर चिपका देंगे। और आप अंदर की कंडीशन देख सकते हैं किस तरह का पड़ा हुआ है, कचड़ा ही कचड़ा पड़ा हुआ है, साफ होगा, धुलाई वुलाई होगी गाड़ी की, वो आप कलर देख सकते हैं कितना शाइन कर रहा है, कलर काफ़ी अच्छा कलर किया है आप जैसे कि देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी इस गाड़ी की तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भैया जो फुटरेस्ट सेट कर रहे हैं, इस साइड भी डैमेज हुआ था, ये टूट गया था पूरा, तो ये न्यू डला है। और अंदर की कंडीशन आप देख ही रहे हैं, अभी एक सीट कसी हुई है, उसके बाद दोनों ही सीट फिट होंगी,
हालांकि एक चीज़ मैं बता दूं, जो सीट कसी हुई है ये इस साइड की सीट है, तो इसको खींच के इस साइड लगाएंगे और उस साइड जो ड्राइवर साइड वाली सीट होती है उसी को कसेंगे और इसकी धुलाई वगैरह होगी, मैटिंग वगैरह इस पर बिछाई जाएगी। तो डैशबोर्ड में कोई भी ऐसा डैमेज नहीं हुआ है, टूटा नहीं है कहीं से, लेकिन थोड़ा बेंड हो गया है। अभी दिखाएंगे हम किस तरह से हुआ है और कहां पर हुआ है। जब गाड़ी पलटी थी तब डैमेज हो गया था, तो मैं बताऊंगा अभी। तो बात करते हैं इसके फ्रंट की। तो फ्रंट में अभी नंबर प्लेट सेट होना है, इसमें बम्पर नहीं था आगे, ये पत्ती लगी हुई थी, ये पत्ती सेट कर दी है, यानी कि फिट कर दी उसमें। और अंदर की अगर केबिन की बात करते हैं तो केबिन की सफाई होने लगी है, हालांकि बाद में धुलाई करवाएंगे, लेकिन जहां गाड़ी डली थी बनने वो अपने तरफ से इस गाड़ी की सफाई कर रहे हैं। हालांकि धुलाई भी करवा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने कहा था कि हम धुलाई बाद में करवा लेंगे, सिर्फ सफाई कर दो, जो भी कचरा डला हुआ है बाहर निकाल दो। काफ़ी कचरा डला हुआ है और काफ़ी गंदी भी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस साइड आपने पता होगा काफ़ी डैमेज हुआ था। इस साइड वाले अगर पिलर की बात करते हैं तो काफ़ी डैमेज हुआ था, पिलर में पूरा पिलर दब गया था, आप लोगों का पता होगा। और अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएंगी, तो आप वो देख सकते हैं इसके, और जिस तरह से गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था, किस तरह से डेंट हुआ, किस तरह से पेंट हुआ, तो सारे वीडियो डली हैं, तो आप वो ज़रूर चेकआउट करें एक बार, जिससे आपको सारा आइडिया लग जाएगा किस तरह से गाड़ी डैमेज हुई थी और किस तरह से गाड़ी शुरू से बनना स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रिल की फिटिंग देख सकते हैं, हालांकि ये पुरानी ग्रिल है जो मैंने बताया है, ये पुरानी गाड़ियों की ग्रिल है, जो पहले गाड़ी आती थी जिस पर महिंद्रा का लोगो नहीं रहता था, जो अब ग्रिल आती है उस पर महिंद्रा का लोगो आता है, इसलिए दूसरी ग्रिल डलवाएंगे इसमें। ये पुरानी गाड़ी की है, इसकी ग्रिल थी और टूट गई थी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये रबड़ वगैरह है जो गेट की, उसको सेट कर रहे हैं। बस थोड़ा काम और रह गया है और गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद डेकोरेशन करवाएंगे गाड़ी में और गाड़ी कंप्लीट है। और बॉडी में कोई भी ऐसा डैमेज नहीं आया था, जो साइड में आया था तो वो ठीक हो गया है। आप लोगों को पता होगा कितना डैमेज आया था, उस साइड आया था, उस कॉर्नर साइड। और आप ये डंडी वगैरह देख सकते हैं जो गाड़ी में पहले लगे थे, तो दोनों ही फिट कर दिए हैं। और कलर वगैरह आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी देखने में लग रही है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो हेडलाइट हैं वो दोनों ही न्यू डली हैं, क्योंकि एक हेडलाइट इसकी टूट गई थी और एक हेडलाइट को निकाल के रख दिया है, इसलिए दोनों ही हेडलाइट इसमें न्यू डली हैं। तो इस साइड भी काम चालू है, जो रबड़ है वो फिट की जा रही है, जिससे गेट वगैरह फिट होने लगेंगे अच्छे से और कोई भी नॉइस वगैरह नहीं रहेगी। अब बात करते हैं इसके नंबर प्लेट की। तो नंबर प्लेट इसमें फिट होनी है, अब RTO वाली नंबर प्लेट इसकी आई थी तो वही वाली फिट कर रहे हैं, हालांकि ये अभी आई है तो इसको फिट कर रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। पहले रेडियम की दुकान पर नंबर लिखवाया था, यानी कि स्टिकर से यहाँ चिपका दिया था आगे और पीछे, और यह नंबर प्लेट अभी आई हैं तो लगा दी हैं इसमें। और दोनों ही बड़ी नंबर प्लेट आई है, इसी साइज के पीछे के लिए भी आई है, तो पीछे नहीं लगाई है, सिर्फ आगे फिट कर रहे हैं, कभी आगे की टूटती है तो दूसरी वाली फिट कर देंगे, क्योंकि पीछे इतनी बड़ी फिट नहीं होगी और स्पेस भी नहीं है, तो इसलिए इसको आगे ही फिट कर रहे हैं, एक को रख दिया है। तो अब आपको केबिन बताते हैं किस तरह की सफाई हुई है, हालांकि धुली नहीं है गाड़ी, जो मैंने बताया अभी गाड़ी को नहीं धुलवाना है। तो अंदर का आप देख सकते हैं सफाई कर दी है बस, और दोनों ही सीट फिट कर दी हैं। अब गाड़ी की धुलाई भी होगी अंदर से, ये सीट कवर वगैरह भी धुलेंगे और इसकी मैटिंग वगैरह जो सब कुछ धुलेगी, जिससे गाड़ी की सारी गंदगी जो निकल जाएगी अंदर वाली। पर आप अंदर से देख भी सकते हैं कितना गंदा पड़ा हुआ है, सीट वगैरह हैं जो, और नीचे भी कितनी गंदी पड़ी हुई है, ऊपर भी आप देख सकते हैं काफ़ी गंदी हो चुकी है गाड़ी। तो फाइनली गाड़ी कंप्लीट है, लेकिन बस गाड़ी की धुलाई होना है और थोड़ा डेकोरेशन का भी काम होना है। तो जो भी होगा उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी, किस तरह की डेकोरेशन के बाद गाड़ी देखने में लगती है और गाड़ी कंप्लीट है।
जो बॉडी का काम था वो भी कंप्लीट हो चुका है। उस साइड डैमेज आया था, आप लोगों ने देखा होगा, तो कलर कर दिया है और जिस तरह की बॉडी थी उसी तरह से बना दिया है और गाड़ी में कोई भी काम नहीं रह गया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं डैमेज आया था, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ कोई एक्सीडेंट या कुछ डैमेज हुआ था। यानी कि जिस तरह से पहले थी गाड़ी उसी तरह से देखने में लग रही है। आप भी बता सकते हैं किस तरह की देखने में लग रही है। और इस साइड से भी आप देख सकते हैं जो मैंने डैशबोर्ड का बताया था, तो डैशबोर्ड यहाँ पर बेंड हुआ है थोड़ा। इस साइड गाड़ी पलटी थी तो ये दब गया है, दबने के कारण ये काफ़ी दब चुका है, तो इसलिए ये ठीक नहीं हो रहा है। शायद आगे चल के इसमें नट वगैरह कुछ फिट करेंगे जिससे इसी साइड को आ जाए, और प्रॉपर सब वर्क कर रहे हैं और कुछ भी यानी कि टूटा नहीं है। अगर टूटता तो और भी ज़्यादा नुकसान होता, क्योंकि डैशबोर्ड डलवाते और अगर जोड़ते तो अच्छा नहीं लगता। हालांकि गाड़ी का इंश्योरेंस है तो वो अलग बात है, लेकिन जितना होता है उतना देते नहीं हैं। तो गाड़ी कंप्लीट है फाइनली, नंबर प्लेट कस चुकी है। जो एक फॉग लैंप आप देख रहे हैं इसको निकाल रहे हैं क्योंकि इसमें दूसरे वाले डलेंगे, और जहाँ तक होगा इसका बम्पर भी नया बनेगा। और आप इंडिकेटर आप देख सकते हैं प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। तो यही था कुछ वीडियो, अगर इसकी और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं।